क्लास अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसके ऑप्शंस पढ़ोगे और जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे सो क्वेश्चन इज देयर इज नो लॉस ऑफ कार्बन एटम्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सक्सीनाइल को एनजाइम ए बिकॉज ऑप्शन ए नो रिस्पेक्टिव एनजाइम इज प्रेजेंट ऑप्शन बी कार्बन नीड टू बी कंजर्व टू रिबिल्ड ओ ए ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ऑप्शन सी ऑल कार्बन एटम्स टर्न नॉन रिएक्टिव आफ्टर दिस स्टेप ऑप्शन डी नन ऑफ दीज क्लास अब आप वीडियो को दो मिनट के लिए पॉज करिए और इस क्वेश्चन और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए तो चलिए इसका सही आंसर जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्लास हमने पढ़ा था कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को दोबारा रिबिल्ड करने के लिए हमें कार्बन लॉस को प्रिवेंट करना होता है और सक्सिनाइल ए जब बनता है तब उसके पास चार कार्बन होते हैं तो इसके बाद से जो भी स्टेप्स साइकिल में यूज होते हैं उनमें डी नहीं होता और एंड तक हमारे पास चार कार्बन रहते हैं जो कि बना लेते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसेट।